नवकार सिस्टम्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं PIR मोशन डिटेक्टर अलार्म, जो कि है टूया वाईफाई कंपैटिबल। ये मोशन डिटेक्टर अलार्म है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स। और इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है स्टैंड और ये इसमें हमें मिल रहा है PIR मोशन सेंसर। ये इसमें मिल रहा है चार्जिंग केबल जो कि है सी टाइप, और ये मिल रहा है मैनुअल। और मैनुअल में एक बेयरिंग करनी है, ये इसका स्टैंड है, वॉल माउंट स्टैंड जो कि इसके साथ लगेगा। और ये कुछ इस तरीके से लगता है जैसा कि फ़ोटो में इसकी दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये कुछ ऐसे इसमें लगेगा। और इसको आप चाहे तो टेबल पे भी रख सकते हैं, और चाहे आप इसको वॉल पे हैंग मतलब वॉल पर लगा सकते हैं। ये वॉल के स्क्रू का इसमें जगह दी हुई है। और इसको वैसे इसमें बैटरी डल जाती है, यहाँ पर इसमें बैटरी डलने का स्कोप है, पर बैटरी पे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बैटरी सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये क्योंकि हाई पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्टेड होता है, तो आप इसको कंटिन्यूसली एक चार्जिंग केबल से कनेक्ट करके रखिए सी टाइप से। जैसे कि मेरे पास एक चार्जिंग केबल है यहाँ पर, तो ये मैंने चार्जिंग केबल से कनेक्ट कर दिया और ये हमारा ऑन हो गया है। और अब अगर इसको मुझे पेयर करना है, तो पेयरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ऐप मैं खोल लेता हूँ, स्मार्ट लाइफ ऐप। और स्मार्ट लाइफ ऐप के अंदर मैंने इसको पेयर करना है, और मैंने मोबाइल को वाईफाई और ब्लूटूथ और GPS से कनेक्ट कर दिया है मैंने। और मैंने ऐड डिवाइस में गया, और यहाँ ऐड डिवाइस करने के लिए फिर मैं यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये इस बटन को मैं कुछ सेकंड के लिए दबा के रखता हूँ और ये पेयरिंग मोड में आ जाएगी डिवाइस। ये जब ये फास्ट ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, और ये हमारा डिवाइस का ऐड का ऑप्शन आ गया इसके अंदर। और यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसका पासवर्ड डालते हैं, और ये डिवाइस हमारी पेयर हो जाएगी इस तरीके से इसके अंदर। और जब ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद हम इसको आर्म और डिसआर्म करेंगे। तो यहाँ पर सिक्योर जब यह सिस्टम आम होगा, जब ये वाईफाई अभी डिवाइस ऐड हो गई है, इसको हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। और जब ये नाम चेंज हो गया, अब ये सिस्टम हमारा आर्म और डिसआर्म मोड के अंदर, मतलब हम इसमें यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऐप के अंदर ऑप्शन है आर्मिंग का और डिसआर्मिंग का। ये आर्मिंग का ऑप्शन है, डिसआर्मिंग का है, और ये वर्क मोड का ऑप्शन है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन थे। हम वर्क मोड को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं कि साउंड लाइट, मतलब कि जब सिस्टम के इसके आगे कोई मोशन होगी तो ये साउंड और लाइट, मतलब इसमें साउंड भी बजती है और लाइट भी ब्लिंक करती है। ओनली लाइट जिसमें सिर्फ लाइट ब्लिंक करती है, ओनली साउंड जिसमें सिर्फ साउंड आती है। म्यूट मोड में मतलब ना कोई साउंड आएगी ना लाइट आएगी, सिर्फ आपको मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन, मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन सब केस स्पीसीज में मिलेगा आपको। तो मैं सिर्फ साउंड लाइट पे रखता हूँ अभी आप इसको, और यहाँ पर मैं इसको आर्मिंग कर देता हूँ। आर्मिंग करने के लिए सिर्फ यहाँ आर्म पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ लाइट जली। अब अगर इसके आगे कोई मूवमेंट होगी तो यहाँ पर ये सायरन बजा, और इसमें लाइट भी ब्लिंक हो रही है और सायरन भी बज रहा है, ये लाइट ब्लिंक हो रही है। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ से इसको डिसआर्म कर सकते हैं। अगर हम इसको ओनली ओनली लाइट पे करते हैं और आर्म करते हैं, और अगर इसके सामने कोई मूवमेंट होगी तो ये देखिए, ये सिर्फ सायरन बज रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल हैं, मोड हैं इसके। जिस मोड में रहेगा उस मोड पे ये काम होगा। और यहाँ पर हम इसको वापस डिसआर्म कर देते हैं। मतलब बहुत ही आसान है। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, आपने मोशन सेंसर लगा रखा है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है, और आप अपने मोबाइल पर चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप इस तरीके से इस एक मोशन सेंसर से और बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर आप अपना ये पर्पज़ सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ और डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक एक तरह का इंडिपेंडेंट वाईफाई मोशन सेंसर है बस, जिसको कि आपने सी टाइप केबल से करंट देना है, और आपका ये सिस्टम रेडी एंड रेडी टू यूज़ है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई मोशन सेंसर आपने लगाना है, तो आप इस मोशन सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जो कि है टूया वाईफाई एनेबल्ड। थैंक यू।